डिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में पहला फॉर्मूला, डिफ्रैक्शन nth मिनिमा की कंडीशन ए साइन थीटा एन लैम्डा लिखी हुई है, मैक्सिमा की कंडीशन लिखी हुई है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम, मैंने मिनिमा की एंगुलर पोजीशंस निकालनी सिखाई, 1 लैम्डा बाय ए, 2 लैम्डा बाय ए, 3 लैम्डा बाय ए, तो nth मिनिमा मैंने डिस्टेंस निकालना सिखाया, सेंटर से nth मिनिमा का डिस्टेंस क्या होगा, एन लैम्डा डी बाय ए, और मैंने एंगुलर पोजीशन सेकेंडरी मैक्सिमा की भी निकालनी सिखाई, डिस्टेंस निकालना सिखाया मैक्सिमा का एक्स की वैल्यू, ये सारे फॉर्मूलाज हमने कर लिए, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी सिखाई और टोटल एंगुलर स्प्रेड सिखाया 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसके बेस पे ये भी किया नहीं हमने, इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ गिवन, तो क्या गिवन है, विड्थ ए गिवन है, माइक्रोमीटर को कन्वर्ट कर लेना, व्हाइट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कैलकुलेट द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, वैसे एंगुलर विड्थ होती है 2 लैम्डा बाय ए, वो क्या पूछ रहा है, हाफ, हाफ का मतलब लैम्डा बाय ए, हाफ का मतलब ये भी कर सकते हो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा से एंगुलर पोजीशन ही थीटा है, लैम्डा बाय ए, तो या साइन थीटा लैम्डा बाय ए, लैम्डा ए पुट करोगे साइन थीटा से थीटा आएगा 30 डिग्री। अब कई लोग ये पूछ रहे थे कि कभी साइन थीटा लगाते हो कभी थीटा लगा देते हो, डिवाइड करके देख लेना, अगर तो सही वैल्यूज आ रही हैं तो ठीक है, अगर बहुत छोटी वैल्यूज आ रही हैं तो साइन थीटा को थीटा लिख के रेडियन लगा देना, बात खत्म, देखना पड़ेगा डिवाइड करके, ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2 में लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है, स्लिट की विड्थ ए गिवन है, कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होती है, ए साइन थीटा 1 लैम्डा, साइन थीटा लैम्डा बाय ए, इसमें भी डिवाइड करके हाफ आ रहा है तो थीटा जाएगा 30 डिग्री, एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो अगर इसकी फर्स्ट डार्क फ्रिंज अगर थीटा 30 डिग्री पे है, डार्क और डार्क थीटा थीटा डबल कर दे 60 डिग्री में क्या आएगी, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ आ जाएगी। माइक्रोवेव जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्लिट की विड्थ ए गिवन है, एंगुलर स्प्रेड निकाल लो, आज करवाया, एंगुलर स्प्रेड भी क्या होता है 2 थीटा, तो सेंट्रल पॉइंट का एंगुलर स्प्रेड 2 थीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 लैम्डा बाय ए। अब आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा नहीं गिवन लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो लैम्डा को क्या पुट करेंगे, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सी इज न्यू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू आंसर। अब देखो ये बहुत छोटा आ रहा है तो इसमें हाफ रेडियंस पुट कर दिया, वैसे अगर चाहो तो साइन थीटा पुट करके आंसर निकाल सकते हो, पर मत निकाल लो टोटल एंगुलर स्प्रेड साइन थीटा से, मत निकाल लो टोटल एंगुलर स्प्रेड, किस में निकाल लो 2 थीटा से ही निकाल लो, क्योंकि थीटा इसमें छोटा आएगा 1/4, अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्लिट जिसकी विड्थ ए है, रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट मिनिमम फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 30 डिग्री, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा 1 लैम्डा, आपको थीटा पता है 30, आपको लैम्डा पता है, सॉल्व करके ए आ गया एक आंसर, ऐसी द फर्स्ट मिनिमा फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 30, पहले मिनिमा और फिर मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा 2n+1 × λ/2n की जगह 1 पुट करेंगे, ये वैल्यू यहां से ए निकाल लेना, थीटा आपको 30 डिग्री पता है, ठीक, फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन है। 49, लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है, इंसिडेंट ऑन पैरेलल बीम स्लिट की विड्थ गिवन है, लैम्डा गिवन है, स्लिट की विड्थ गिवन है, यानी कि स्मॉल डी गिवन है, ए गिवन है, फाइंड एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, उसका 2x निकाल लो और उसका 2 थीटा भी निकाल लो, एंगुलर भी निकाल लो और सिंपल विड्थ भी निकाल लो, जब स्क्रीन का डिस्टेंस कितना गिवन है 1.1 मीटर, कैपिटल डी गिवन है, ये पहला पार्ट है, तो एंगुलर विड्थ तो पता है 2 लैम्डा बाय ए आंसर, लीनियर विड्थ भी करवाया था 2 लैम्डा डी बाय ए आंसर, ये मीटर में आएगा और ये रेडियन में आएगा। अगला पार्ट है, अगर मैं डिस्टेंस स्क्रीन का 2.2 मीटर पास ले आऊं स्लिट से तो क्या एंगुलर विड्थ चेंज होगी, तो कैपिटल डी में चेंज जब करोगे तो लीनियर विड्थ तो चेंज होगी लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एंगुलर विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, लीनियर विड्थ में चेंज आएगा, ठीक है यहां तक। पैरेलल बीम ऑफ लाइट लैम्डा गिवन है, फॉल्स ऑन अ नैरो स्लिट
एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 1.2 मीटर अवे. लैम्डा पता है, कैपिटल डी पता है. इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट मिनिमम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 mm फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन. पहला मिनिमम का डिस्टेंस पता है. पहले मिनिमम का डिस्टेंस कैसे निकलता है? एन लैम्डा डी बाई ए से. मैंने फॉर्मूला लिखवाया था एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है फर्स्ट मिनिमा की. एनथ मिनिमा क्या था? एन लैम्डा डी बाई ए. फर्स्ट के लिए एन इज इक्वल टू वन, तो आपको ए निकालना है. एक्स वन डी और लैम्डा पता है आंसर. बस ये देखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक. पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वेवलेंथ गिवन, स्लिट की विड्थ ए है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी भी गिवन है, एंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन गिवन है. विड्थ निकाल लो. सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा क्या होता है? एन इज इक्वल टू टू. मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? डिस्टेंस क्या होता है? टू एन प्लस वन इंटू लैमडा डी बाई ए. तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ए निकालना है. गिवन 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 आंसर. फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो डिस्टेंस मिनिमा का पता है, डिस्टेंस मैक्सिमा का भी पता है. पैरेलल लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट. तो लैम्डा पता है, सेंट्रल मैक्सिमम स्प्रेड्स आउट टू 30 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ इंसिडेंट लाइट. 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री नीचे. वो 2 थीटा वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट था. 30 ऊपर, 30 नीचे. फाइन विड्थ ऑफ द स्लिट. अब वो जो थीटा एंगल होता था स्प्रेड का, वो फर्स्ट मिनिमा का होता था. फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या है? ए साइन थीटा वन लैम्डा, साइन थीटा लैम्डा बाई ए. ए निकालना है लैम्डा बाई साइन थीटा आंसर. अब वो कह रहे हैं कि अगर ये थीटा 90 हो जाए तो विड्थ क्या होगी? तो सेकंड केस थीटा की जगह 30 की जगह 90 आंसर. दो केस हो गए. ठीक. एक ना ये वाला क्वेश्चन करना है लास्ट. क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन, लैम्डा गिवन है, सिंगल स्लिट विड्थ ए गिवन है, फाइंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. तो एंगुलर विड्थ निकालनी आती है, 2 थीटा 2 लैम्डा बाई आंसर आ गया. ठीक हो गया. अब वो कह रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन है, एस्टीमेट नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेंड इन वाईडीएससी. अब बीच में वाईडीएससी भी लेके आ रहा है. तो कह रहे हैं कितनी फ्रिंजेस काउंट करके बताओ बनेंगी वाईडीएससी में अगर एक फ्रिंज की विड्थ बीटा गिवन है
और कहां पे बनानी है, विच कैन बी अकोमोडेटेड विद इन द रीजन ऑफ टोटल एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट। मतलब वो ये कह रहा है कि इसके अंदर जिस पोजीशन पर डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि जिस रीजन में सेंट्रल मैक्सिमा प्रोड्यूस हुआ था, तो सेंट्रल मैक्सिमा कितने रीजन में प्रोड्यूस हुआ था, लेंथ क्या थी इसकी 2x हमने निकाल ली थी। तो इसके अंदर अगर मैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को एडजस्ट करूं और एक फ्रिंज की विड्थ क्या है बीटा गिवन है, तो ऐसे कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या बनेगी 2x बाय बीटा, 2x निकलेगा डिफ्रैक्शन से, बीटा इंटरफेरेंस का गिवन है, डिवाइड करके नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है?